आज हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जो है ग्रेइंग ऑफ द हेयर, बालों का सफेद हो जाना, बहुत जल्दी उम्र में सफेद होना यानी प्री मेच्योर ग्रेइंग क्यों होती है, उसकी क्या वजूहात हैं, क्या प्रिकॉशंस है और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है जो हम ले सकते हैं। सो प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ द हेयर यानी कि छोटी उम्र में बालों का सफेद होना, से मुराद ये कि 20 या 30 साल के अंदर अंदर या उससे भी छोटी उम्र में कुछ लोगों के बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। उसकी क्या क्या कॉजेज हैं? सबसे बड़ा कॉज तो ये है कि फैमिली में है या जेनेटिक्स में है तो फिर होने के चांसेस होते हैं कि आपके भी बाल ग्रे हो जाए। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है कि आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे आपकी स्किन का एक पिगमेंट है ऐसे आपकी हेयर में भी पिगमेंट होता है, दैट इज ऑल्सो मेलानिन। वो ब्लैक होता है, किसी का रेडिश कलर होता है, किसी का ब्राउन होता है, दैट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन। बट जो पिगमेंट है उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ द फ्री रेडिकल्स। एंड व्हेन दीज फ्री रेडिकल्स आर रिलीज इन योर बॉडी, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है H2O2 आपके हेयर फॉलिकल में अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और आपका जो हेयर है वो ब्लीच होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज द होल थ्योरी बिहाइंड इट एंड डिस्कस कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अब किस वजह से हो सकता है, या तो स्मोकिंग की हिस्ट्री हो कि बहुत ज़्यादा आप स्मोक कर रहे हैं तो उसकी वजह से बॉडी में जो है वो फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं एंड देन यू नो आपकी बॉडी पे एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो एफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर रही होती। इसके अलावा स्ट्रेसफुल लाइफ यानी कि आपका डे टू डे रूटीन इतना स्ट्रेसफुल है कि आपकी यू नो यू नॉट एबल टू ईट प्रॉपरली, कि आप सही से खाना नहीं खा रहे, तो डाइटरी डेफिशिएंसीज की वजह से, किस किस चीज़ की डेफिशिएंसीज की वजह से प्रीमैच्योर ग्रेइंग होती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी, सल्फर कंटेंट आपकी डाइट में अगर कम है उसकी वजह से जिंक का कंटेंट, विटामिन B12, बायोटिन, ये सारे मल्टी वाइटमिन जो हैं अगर वो बॉडी में कम होना शुरू हो जाते हैं या मिनरल्स कम होना शुरू हो जाते हैं तो आपकी प्रीमैच्योर ग्रेइंग हो सकती है। बहुत ज़्यादा जिनका धूप में एक्सपोजर है दे आर ऑल्सो प्रोन टू ब्लीचिंग, क्योंकि सूरज की शुआएं भी जैसे आपकी स्किन पे बुरा असर डाल रही होती हैं उसी तरीके से वो आपके बालों को भी नुकसान पहुंचाती है। तो क्या ये हेयर ग्रेइंग रिवर्सिबल है या नहीं है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस जो आप ले सकते हैं जिसकी वजह से बाल आपके ग्रे ना हो और अगर हो गए तो वो रुक जाएँ और रिवर्स हो जाएँ। सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स जो अभी हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर आपकी बॉडी में है तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से जो है आपके बाल ग्रे होना शुरू होते हैं। उसको आप कैसे कम कर सकते हैं? आप बहुत अच्छा खाएं। खाने में क्या क्या ऑप्शंस हैं? नंबर वन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, विटामिन सी रिच डाइट हो, विटामिन ई रिच, विटामिन के, विटामिन B12 रिच डाइट जिसमें हरी सब्जियाँ हैं, पालक हो गया, केल है, ब्रोकली है, स्टफ़ लाइक दैट, या आप मैक्सिमम अपनी डाइट में इंक्लूड करें। ड्राई फ्रूट्स जिसमें हमारे पास आमंड है, आमंड में बहुत ज़्यादा कॉपर कंटेंट है, वॉलनट में बहुत अच्छा कॉपर कंटेंट है, जिंक रिच फूड है, प्रोटीन रिच फूड है, प्रोटीन रिच फूड में हमारे पास एग्स आ जाते हैं, दालें हैं, सारा मिल मिला के जो है वो आपके बॉडी को न्यूट्रिशन देता है और वही न्यूट्रिशन आपके बालों तक पहुँचता है और ये वाले प्रॉब्लम से आप निकल सकते हैं। कुछ लोगों में देखा गया है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। कई स्टडीज़ में देखा गया है कि विटामिन डी की कमी की वजह से बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं, तो विटामिन डी का इंटेक आपका अच्छा हो, चीज़, मिल्क, इस तरह की डाइट आपने लेनी है। विटामिन B12 का इंटेक अच्छा हो, विटामिन B12 से मुराद आपने चिकन, मीट, लेंटिल्स, दालें, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करनी है, चने का इस्तेमाल करना है, दालों का इस्तेमाल करना है, लोबिया का इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको हेल्प आउट करेंगी टू रिवर्स योर प्रोसेस। यू हैव टू क्विट स्मोकिंग। अगर आप स्मोक करते हैं तो वो सिर्फ आपकी बॉडी को ही नुकसान नहीं दे रहा बल्कि वो आपके बालों को भी नुकसान देता है, बाल गिरते भी हैं और प्रीमेच्योर ग्रेइंग भी हो जाती है। सो स्टॉप स्मोकिंग, डू एक्सरसाइज रेगुलरली, योगा मेंटेन करें ताकि आपकी जो बॉडी है उसमें फ्रेश एयर जाए, आप मैक्सिमम रिलैक्स होंगे, जितना उतना अच्छा आपका बॉडी जो है वो फील करेगी और जितना अच्छा आपकी बॉडी फील करेगी डेफिनेटली उसका एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा एंड आपकी बॉडी में से जो है वो फ्री रेडिकल्स निकलेंगे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा तो आपकी बॉडी जो है वो नरिश होगी, नरिश होगी तो इट विल डेफिनेटली लुक बेटर एंड आपके बालों का टेक्सचर, आपकी स्किन का टेक्सचर, आपकी जनरल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंसेज है जैसे थायराइड हार्मोन की डिस्टर्बेंसेज हैं तो आप उसको ज़रूर चेक करवाएं।
कि अगर आपको सर्दी ज़्यादा लगती है या गर्मी ज़्यादा लगती है तो ये भी एक कॉज हो सकता है थायराइड डिस्टर्बेंस का, और थायराइड डिस्टर्बेंस की वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है. तो व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस? अभी तक प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर की रिसर्च बहुत चल रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं मिलती जिसको एक टैबलेट दी जाए और ये रिवर्स हो जाए. कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं जिसको अब इस्तेमाल कर रहे हैं एंड पीपल आर ट्राइंग आउट, जिसमें हमारे पास पाबा और कैल्शियम पेंथोलेट वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इस पर भी अभी रिसर्च चल रही हैं. ज़्यादातर फोकस इस बात पर है कि हम किसी तरह अपनी बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करें, अपनी डेफिशिएंसीज को कम करें, तो इससे हमारा जो प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है उसका प्रोसेस रुक सकता है. सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर जिनके बाल ग्रे हो चुके हैं, दे कैन यू नो कैमोफ्लाज टेक्निक यानी हेयर डाई, अब अमोनिया फ्री हेयर डाइज या कैमोफ्लाज करने के लिए टेम्प्रेरी पिगमेंट्स भी अवेलेबल है मार्केट में जो आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शन दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, एंड इफ़ यू हैव एनी सच प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड टू प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर एंड यू वॉन्ट अस टू हेल्प यू आउट in selecting the right diet and in you know discussing anything of this sort, to phir aap aa sakte hain, hame visit kar sakte hain Hash Clinics par. Thank you.